Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Leave, L-E-A-V-E, leave. वैसे तो इस वर्ड की मीनिंग बहुत सारी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सिखाऊंगा. ओके, तो सबसे पहले लीव की मीनिंग होती है निकल जाना या फिर जाना. ओके, जैसे आई विल लीव टुमारो, यानी मैं कल निकलूंगा या फिर मैं कल जाऊंगा. आई विल लीव एट 4:30, आई विल लीव एट 4:30, यानी मैं 4:30 बजे को निकलूंगा या फिर मैं 4:30 बजे जाऊंगा. आई एम लिविंग नाउ, मैं अब जा रहा हूं. यहां पर लिव की मीनिंग क्या हो गई माई डियर स्टूडेंट्स, जाना भी होता है और निकलना भी होता है. चलो मैं आपको लिव की और एक मीनिंग सिखाता हूं, और वो वर्ड है छुट्टी. जैसे मान लो अगर आपको छुट्टी है तो आपको इंग्लिश में कहना है आई हैव लीव, आई हैव लीव टूडे, यानी आज मुझे छुट्टी है, मुझे छुट्टी चाहिए. आई वॉन्ट लीव टूडे, आज मुझे छुट्टी चाहिए. आई हैड लीव यस्टरडे, आई हैव लीव यस्टरडे, यानी मुझे कल छुट्टी थी. यहां पर छुट्टी की मीनिंग जो है, सॉरी लीव की मीनिंग जो है छुट्टी हो गई. तो ये दो मीनिंग हो गया लीव की. ओके, यहां पर और एक लीव की मीनिंग है, यानी नहीं छोड़ना, यानी बदला लेना. आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट लीव यू, इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं इसका जरूर बदला लूंगा. ठीक है, और एक लीव इट, छोड़ दो, मतलब रहने दो, लीव इट. तो यहां पर लीव की बहुत सारी मीनिंग मैंने आपको समझाया है. फाइनली मैं आपको वीडियो एंड होने से पहले और एक लीव से रिलेटेड मैं आपको सिखाऊंगा, और वो है फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव की मीनिंग होती है माय डियर स्टूडेंट्स, अपने बॉस को बिना बताए छुट्टी लेना, उसको हम कहते हैं फ्रेंच लीव. किसी को बिना बताए या किसी को कहे बगैर जब हम ऑफिस से या किसी काम से जब हम छुट्टी लेते हैं, उस छुट्टी को हम इंग्लिश में फ्रेंच लीव कहते हैं. मैं आपको इस सेंटेंस पे, इस वर्ड पे मैं आपको दो तीन सेंटेंस करके सिखाऊंगा. डोंट टेक फ्रेंच लीव, डोंट टेक फ्रेंच लीव, यानी बॉस को बिना बताए छुट्टी मत करो. फाइन, तो इस तरह आपको लीव की मीनिंग मैंने इस वीडियो में सिखाया है. इस वीडियो को आप 2 या 3 बार रिप्ले करके देखें, आपको लीव की एग्जैक्टली मीनिंग समझ में आ जाएगी. आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. काइंडली शेयर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.